नमस्कार बच्चों, मैं रीता शर्मा आज आपको वर्ण विच्छेद पढ़ा रही हूँ। वर्ण विचार में हमने कल स्वर और व्यंजन को पढ़ा था और इसके विभिन्न विभागों के बारे में भी चर्चा की थी। तो आज वर्ण विच्छेद को पढ़ाने से पहले हम र का विशेष प्रयोग पढ़ेंगे, आगत व्यंजन पढ़ेंगे और वर्तनी पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। तो सबसे पहले र का विशेष प्रयोग हम पढ़ते हैं। तो देखिए, र हिंदी में रह एक विशेष व्यंजन है। इसके नीचे हल चिन्ह नहीं लगता, यानी किसी भी व्यंजन को अपन आधा दर्शाने के लिए, देखो जैसे कह के नीचे रह लगाया, इसका मतलब कह आधा है, लेकिन रह को आधा बताने के लिए इसके नीचे हल चिन्ह नहीं लगाया जाता। इसलिए स्वर रहित जो रह होगा, यानी आधा जो रह होगा, वो अपने अगले वर्ण के ऊपर लग जाएगा। जैसे देखिए, पाई वाले व्यंजन के साथ आने पर यह पाई के निचले भाग में लगता है, यानी जो खड़ी पाई होती है, प्रेम, प्रकाश, क्रम, प्राणाम, प्रमाण, भ्रम, तो ये र के नीचे लगता है, प्रवीण। आगे देखिए, बिना पाई वाले व्यंजनों में यह नोकदार तिपाई के रूप में लगता है। जैसे बिना पाई वाले व्यंजन और गोलाकार जो व्यंजन होंगे ट, ड, इनके नीचे ये कैसे लगेगा, तिपाई के रूप में लगेगा। जैसे ट्रक, ट्रेन, ड्रम, ड्रामा। आगे देखिए, त और श के साथ ये किस रूप में लगता है, त के साथ र मिलकर क्या बनता है, त्र, जो कि क्या है, एक संयुक्त व्यंजन। इसी तरीके से देखो बेटा, श के साथ र मिलने से क्या बना, स्त्र, ये भी है क्या है, संयुक्त व्यंजन। अब आगे देखिए, स के साथ आने पर इसका रूप स हो जाता है। कुछ लोग भ्रमवश इसे स्त्र समझ लेते हैं, स्त्रोत को सत्रोत समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, स्त्रोत, यानी स की ध्वनि आती है ओ, स्रोत। अब अपने इसको क्या बोलते हैं, स्रोत, ये गलत होता है। आगे देखिए, आगत व्यंजन, आगत स्वर हमने पढ़ा था ओ, और आगत व्यंजन क्या है, ज और फ। ज और फ अंग्रेजी और फारसी भाषा के साथ हिंदी में आए हैं। तो देखिए, हम उच्चारण करते हैं इसका, मजदूर, जरूरी, ये दोनों शब्द क्या है, ये दोनों शब्द अपने पास उर्दू और फारसी भाषा के हैं। विजन और इज, इज और विजन क्या है, अंग्रेजी भाषा के शब्द है। इसी तरीके से देखिए, रफू और फालसा, ये दोनों क्या है, अरबी यानी अरबी फारसी भाषा के शब्द है। फादर और विजन, फादर और फ्रीज, ये दोनों शब्द क्या है, ये अपने पास है अंग्रेजी भाषा के व्यंजन। आगे देखिए, वर्तनी, हर शब्द में वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्तनी। वर्तनी में थोड़ी सी भूल हो जाए तो शब्द के अर्थ बदल जाते हैं, अतः ठीक वर्तनी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। देखिए नीचे, अशुद्ध और शुद्ध वाक्य, कवि, कवि नहीं होता, कवि होता है, ठीक है। कली, ये होता है कली, ठीक है। बल्कि, बल्कि नहीं होता, बल्कि। पक्षी, पक्षी। नीरोग, नीरोग नहीं होता, नीरोग। दीवाली, दीवाली नहीं होता, दीवाली होता है, ठीक है। क्योंकि, क्योंकि नहीं होता, क्योंकि होता है। श्रीमती नहीं होता, श्रीमती। नेक्स्ट देखिए, परीक्षा, इसको भी हम गलत लिखते हैं, परीक्षा होता है। उन्नति नहीं होता, उन्नति होता है। बीमार नहीं होता, बीमार होता है। आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है। प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है। संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। नाराज नहीं होता, नाराज होता है। आसान, आसान। अधीन नहीं, अधीन। सामाजिक नहीं होता, सामाजिक। आहार नहीं होता, आहार। अलौकिक नहीं होता, अलौकिक। रामायण नहीं होता, रामायण। दयालु नहीं होता, दयालु होता है। साधु नहीं होता, साधु होता है। गुरु नहीं होता, गुरु होता है। शुरू नहीं होता, शुरू होता है। हिंदू नहीं होता, हिंदू होता है। रूप नहीं होता, रूप होता है। विदुषी नहीं होता, विदुषी होता है। पुरुष नहीं होता, पुरुष होता है। मूर्ति नहीं होता, मूर्ति होता है। रुपया नहीं होता, रुपया होता है। दृष्टि नहीं होता, दृष्टि होता है। कृपा नहीं होता, कृपा होता है।
पृथक नहीं होता, पृथक होता है, भ्रष्ट नहीं होता, भ्रष्ट होता है, लौकिक नहीं होता, लौकिक होता है, चाहिए नहीं होता, चाहिए होता है, पड़ोस नहीं होता, पड़ोस होता है, त्योहार नहीं होता, त्योहार होता है, औरत नहीं होता, औरत होता है, औजार नहीं होता, औजार होता है। इसी तरीके से देखिए अपने पास में भी कुछ दी हुई है, आप इनको पढ़ो और इसका उच्चारण सही तरीके से करने की कोशिश करो। आगे देखिए वर्ण विच्छेद, किसी शब्द की एक एक स्वर और व्यंजन को क्रम के अनुसार अलग करके रखना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। जैसे भारत, इसमें देखो भ, भ के साथ क्या जुड़ा? आ, मिलने से क्या बना? भा। इसी तरीके से देखो र, र के साथ क्या मिला? अ, तो क्या बना? पूरा र। फिर आदि त के साथ मिला अ, तो क्या बना? त, भारत, भारत। आगे देखो गर, तो सबसे पहले ग, तो ग किससे मिलके बना? ग प्लस अ, ग। फिर ग के बाद हमें र, र की ध्वनि आ रही है पर र आधा है, तो र के नीचे हल चिन्ह लगा दिया। इसी तरीके से व प्लस अ, तो क्या बना? गर। विद्या, व प्लस ई प्लस द प्लस य प्लस आ। विद्या में द के नीचे या लगा हुआ है, जब हम किसी आधा वर्ण आ जाता है तो जो दूसरा अगला जो वर्ण पूरा होता है वो उसके पैर में लग जाता है। आगे देखिए अभ्यास प्रश्न हम देखेंगे, सही उत्तर पर टिक लगाइए। पहला देखिए, भाषा की छोटी सी छोटी ध्वनि के चिन्ह को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी से छोटी ध्वनि क्या होती है? वर्ण। वर्ण के क्या होते हैं? टुकड़े ही हो पाते हैं। आगे देखिए, मुंह से बिना रुकावट के निकलने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वर। आगे देखिए, अंग्रेजी के प्रभाव से कौन सा स्वर हिंदी में स्वीकार हुआ है? ओ। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति निम्नलिखित उत्तरों में से कीजिए। अयोगवाह नहीं है आ, आ के ऊपर जो बिंदी लगी ये अयोगवा नहीं है। आगे देखिए, क्ष, त्र, ज्ञ, ढ और श्र संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ढ, क्योंकि क्ष, त्र और श्र ये तीनों अपने पास संयुक्त व्यंजन है, सिर्फ ढ ही ऐसा है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है। अंतस्थ व्यंजन नहीं है स, क्योंकि य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यहाँ पर स है वो अंतस्थ व्यंजन नहीं है, क्योंकि स क्या होता है? ऊष्मीय व्यंजन। आगे देखिए, व, ह, श, स, तो इसमें से अपने पास ऊष्मीय व्यंजन कौन सा नहीं है? वह है, वो अपने पास ऊष्मीय व्यंजन नहीं है। आगे देखिए, आगे देखिए बेटा, निम्नलिखित के अंतर्गत आने वाला सही वर्ण समूह चुनिए। अब अपने को ये जोड़ा बना के रखा हुआ है, इसमें से अपने को ह्रस्व स्वर का जोड़ा चुनना है, अ, ई, उ और री। सेकंड नंबर वाला है वो आपके करेक्ट आंसर है, इस पे टिक लगा लो। दीर्घ स्वर, दीर्घ अपने पास आ, ई, ओ, ए। थर्ड नंबर वाले आंसर पे आप टिक लगा लीजिए। आगे देखिए, व्यंजन, व्यंजन अपने पास क, प, ट, न, ये थर्ड नंबर वाला आंसर है, इस पे टिक लगा लीजिए। संयुक्त व्यंजन, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, सेकंड वाला जो आंसर है वो आपके करेक्ट आंसर है, इस पे टिक लगा लीजिए। निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों के योग से बने हैं? तो आगे देखिए, क्ष, क प्लस श्र, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में देखिए, त्र, त प्लस र, थर्ड वाला आंसर आपके सही है। आगे देखिए, ज, जिसमें भी आपके थर्ड नंबर वाला आंसर एकदम सही है, ज प्लस य। इसी तरीके से आगे देखिए, निम्नलिखित वर्णों के योग से कौन सा शब्द बनता है? अब देखिए, आप जोड़ने की इसको कोशिश कीजिए, र प्लस एम, क्या बना? र, मैं प्लस आ, रमा, तो रमा पे आप टिक लगाइए। नेक्स्ट देखिए, द प्लस ई, तो क्या बना? दी, प प्लस आ, दीपा। नेक्स्ट देखिए, क प्लस अ, क,
रम। तो कर्म फर्स्ट वाला आंसर आपके करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए कर प्लस आ का, ले प्लस आ काला। आगे देखिए सही वर्तनी पर टिक लगाइए। सबसे पहला वाला है सामाजिक, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए आशीर्वाद, तो शी के बाद में र की ध्वनि आती है तो वो अगले वर्ण पे चढ़ता है, थर्ड नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर है। कार्यक्रम, कर्म नहीं होता, क्रम नहीं होता, कार्यक्रम होता है, तो ये सेकंड वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों आज आपको वर्ण विच्छेद, आगत व्यंजन और ह्रस्व दीर्घ संयुक्त व्यंजन सब आप पढ़ चुके हैं, र के विभिन्न प्रकार के प्रयोग भी आप पढ़ चुके हैं, वर्तनी की शुद्ध और अशुद्ध शब्द भी आप पढ़ चुके हैं। एक बार शुरू से लेकर अंत तक इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करोगे, पीडीएफ आपको मिले उसको नोट डाउन करोगे और बुक को बुक के अंदर ही फिल करोगे। धन्यवाद।